हेलो, आपको स्वागत है होटल का। मैं स्वागत है आज आपके लिए। क्या ऐसी मसूरा मंदिर 300 वर्ष पुराना मंदिर है दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ जी का आपको आज ऐतिहासिक मंदिर ले आए, ऐतिहासिक उस मंदिर आपको दिखाने वाले आज हम आप लोगों को। श्री मसूरा मंदिर शिवरामऊ आज बाकी स्पेशल आपको लेके आए हैं, और जब आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको अन्य वीडियो मंदिर हम 2000 ही मंदिर बनाया गया था, तो मंदिर की देख रेख करते हैं आपको। आप कौन सा बनाने वाले हैं महाराज का नाम क्या है आपको? आपका नाम क्या है? आशु वाजपेयी। ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर करीबन 17वीं शताब्दी का है। यहाँ पे क्या करते हैं आप? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण किया गया था, स्वर्गीय मनसा राम दुबे। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, और चूंकि ये मेरे ननिहाल की प्रॉपर्टी है और उनके उससे जो है हमारे नानी रन्नो देवी के देख रेख में आया, फिर जो है हम लोग जो है इस मंदिर का जो है वो कर रहे हैं। यहाँ के जो है साज सज्जा रख रखाव सारा जो है इंतजाम जो है व्यवस्थापक के रूप में हम देश के। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरी ट्रेवल का। पर चल रहा हूँ आपका मोस्ट वेलकम। आपको लिखा है आज आपको लिखा है मसूरा मंदिर महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके किया है आज हम। और आज आपको हम दिखाने वाले हैं लगातार आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे मंदिर हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है। 300 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मनसा राम दुबे जी द्वारा हुआ था। तो उसका पूरी हिस्ट्री आपको इसकी लोकेशन आपको जब दिखाने वाले हैं होटल में आपको हम दिखाने और बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे लग से सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे, इससे आपको आने वाली वीडियो आप लोगों को दोस्तों मिलती रहे। तो हम आपको लगातार आप दिखा रहे हैं कि हमारे आज बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों लगातार। और क्या बताएं आपको, कल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो आज दिन ऐसे मानता है दोस्तों। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो इससे उपलक्ष्य पर बहुत ही अच्छा सजाया गया है श्री मसूरानाथ मंदिर शिवरामऊ भाई मंदिर अच्छी तरीके से सजाया गया है दोस्तों। और ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है, ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आपको वहाँ दिखा और बता रहे हैं लगातार। तो आप लोग हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको दिखा रहे लगातार मंदिर शिवरामऊ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। आपको हम दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है लगातार, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे शंकर जी यहाँ पर जो शिवलिंग रखा है, और यहाँ पर रखा है शिवलिंग रखा है पहले अंदर, तो इसको उड़ा के अंदर आपको वीडियो दिखा रहे हैं। लास्ट में आपको दिखा वीडियो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि वो उड़ा के वो जता है। यहाँ पाँच शिवलिंग यहाँ रखे हुए लगा रहा हूँ, इनकी बहुत ही मानता है। अगर आप मंदिर में अंदर जाते हैं यार, तो आप सेकेंड साइड में सेकेंड तरफ गेट से बाहर निकलते तो अंदर इस साइड में आप आपको हम दिखा रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग देख के वहाँ पर जाना बहुत ही देरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जाना कि वहाँ पर जाकर एक पूजा पूरी होती है। अब पूजा पूरी होती है आपको हम दिखा रहे हैं मसूरा मंदिर शिवरामऊ। और तो इसकी हमारे यहाँ मानता है लगातार 40 दिन हमारे यहाँ आते हैं, अगर पूजा करते हैं लगातार आप बत्ती जलाते हैं अगर आप, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। श्री मसूरा मंदिर शिवरामऊ आपको वहाँ दिखा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है, ये हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना फेमस मंदिर है दोस्तों। गोटे आपको दिखा रहे हैं श्री मसूरा मंदिर। तो आप लोग वहाँ के लग के इसका कर दीजिए, सबको अन्य वीडियो मिलती रहे दोस्तों, सबको अन्य वीडियो लोगों को मिलती रहे। तो आप लोग वहाँ सजा रही लगातार आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो, महाशिवरात्रि का आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया, आपको दिखा रहे लगातार वहाँ भोलेनाथ का मंदिर, हमारे मसूरा मंदिर विश्वनाथ मंदिर। और हमने आपको इसका पाठ हमने आपको दिखाएंगे, आपको दिन में भी हमने इसका पाठ बनाया है, दिन में हमारा मंदिर कैसा लगता है, तो हमने इसका पाठ में बनाया है आपके बॉडी टेल्स पर जो आप लोगों को
प्रोवाइड हो जाएगा जब जल्दी वो जल्दी वीडियो आने वाली है। तो अब वहाँ पर रहिए आप लोग हमारे साथ मिले रहिए। तो यहाँ की बहुत ही यहाँ पर भोले शंकर का और थी गहरा गहरी आस्था है लोगों के प्रति। लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमारे भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ की कृपा होती है जो लोग जल लेके जा पाते हैं, जो लोग काबर लेके जा पाते हैं, जो लोग भोलेनाथ के दर पर आ पाते हैं। ये बहुत ही वो वाले की भोलेनाथ की कृपा ही होती है दोस्तों। तो आपको हम दिखा रहे हैं गोटे लग दिखा रहे हैं आज शिवराम मंदिर शिवराम। दोस्तों आपको जब आपको दिखाने वाले हैं आरती। तो आरती होने जा रही है हमारे यहाँ की, आपको आरती दिखाने जा रहे हैं वहाँ शिवराम मंदिर। स्पेशल पार्ट आपको लेके आए हैं, आरती होने जा रही है आज।